देवास जिला चिकित्सालय का भगवान ही मालिक है। हमेशा जिला चिकित्सालय मरीजों को इलाज ठीक ढंग से नहीं मिलने सहित स्टाफ नर्सों द्वारा मरीजों के परिजनों से रुपए मांगने को लेकर चर्चाओं में आता रहा है। कई बार कलेक्टर सहित अन्य आला अधिकारी ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया है, लेकिन यहाँ के हालात हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। ताजा मामला जिला चिकित्सालय में स्थित टीबी वार्ड का है। टीबी यानी क्षय रोग, इसके प्रचार को लेकर जिला प्रशासन ने शहर के नामी होटल में कार्यशाला भी रखी थी। कार्यशाला का उद्देश्य ये था कि टीबी मुक्त देवास के लिए टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को एक जन आंदोलन की तरह चलाया जाए, जिसका मुख्य उद्देश्य देवास वर्ष 2025 में टीबी मुक्त होगा। वहीं जागरूकता को लेकर प्रशासन ने विश्व क्षय दिवस पर बाइक रैली भी निकाली थी। रैली को CMHO ने हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया था। इसके विपरीत जिला चिकित्सालय में टीबी वार्ड नजारा देखे तो टीबी वार्ड खुद बीमार नजर आएगा। यहाँ भर्ती मरीजों की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ शौचालयों की साफ सफाई दूर दूर तक कई नजर नहीं आ रही है। सफाई कर्मचारी कई दिनों से टीबी वार्ड में शौचालयों की सफाई करने के लिए नहीं आए हैं। बताया जा रहा है कि जिस सफाई कर्मी की टीबी वार्ड में ड्यूटी है वो बिना अनुमति के ही अवकाश पर चला गया है। वहीं डॉक्टर और नर्स अपने समय अनुसार ड्यूटी पर नहीं आते हैं और अपने समय के अनुसार चले जाते हैं। टीबी वार्ड में भर्ती मरीजों ने बताया कि रात में तो डॉक्टर और नर्स वार्ड में रहते ही नहीं हैं। इधर CMHO MP शर्मा टीबी वार्ड व्यवस्था को लेकर कार्रवाई करने के बाद तो कर रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि टीबी वार्ड में भर्ती मरीजों को बेहतर इलाज मिलता है या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। आप कब से एडमिट है यहाँ पे? 6 दिन। 6 दिन हो गए। यहाँ पे सफाई कर्मचारी आते हैं यहाँ पे? वो सुबह आते खाली, एक बार वो सफाई करना पोछा लगाने वास्ते। ये पंखे वगैरह चलते सही से? चलते पंखे भी चलते। और रात में ड्यूटी पे कौन रहता है? कोई आती है? कोई भी नहीं आता है। आपको इंजेक्शन कितने बार लगते हैं? एक बार। सिर्फ एक ही बार लगते हैं? इंजेक्शन 2 बार लगना चाहिए आपको। एक बार लगता इंजेक्शन, ये मैडम लगाती है, दूसरे को कोई मैडम आती नहीं? दूसरी कोई मैडम नहीं आती है, सिर्फ एक ही आती है, ये मैडम लगाती है। मैं टीवी वार्ड की जो आपने समस्याओं के बारे में मेरे संज्ञान में लाया है, मैं अभी टीवी ऑफिसर्स को बुलवाता हूँ। डॉक्टर सुरेंद्र मिश्रा इसके इंचार्ज हैं और उनसे व्यवस्थाओं के बारे में उनसे जानकारी लेता हूँ। वहाँ पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा सफाई कर्मी लगाए गए हैं, तो ये निश्चित रूप से सफाई तो नियमित रूप से होना चाहिए। सुबह शाम टाइम पर दोनों टाइम पर सफाई होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से हम सफाई एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अभी मैं जिला टीबी अधिकारी हैं 6 अधिकारी डॉक्टर मिश्रा जी को मैं बुलवाता हूँ और व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछता हूँ कि किस चीज़ों का आप स्वयं भी राउंड लेंगे और इन व्यवस्थाओं को सुधारेंगे।